नाउ आई अनदर क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें देखो ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जो प्रूव करना है उसमें नजर डालो इसमें है क्या। यहाँ माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है। अपने पास राइट हैंड साइड में ऐसा क्यूब है, इसका मतलब कि इसमें से कम दो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकालना चाहिए। ये अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। चलो देखो ऐसा फोर्सफुली बनाने की कोशिश करो। देखो इसको अगर मान लो कि कोई तुमसे कहे कि वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इतना बना दो तो ये होगा कैसे। अगर इसमें हम लोग टू बी स्क्वायर एड कर दें तो इतना हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब टू बी स्क्वायर आएगा कहां से? तो दो चॉइस है, या तो इसका बी टाइम्स करके इसमें हम लोग एड कर दें या फिर इसका बी टाइम्स करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। दोनों चॉइस होते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। चलो और भी नजर डालो, जब ये यहां पर एप्लीकेबल है तो इसमें भी हो सकता है। जरा नजर डालो ये कितना वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर इतना बनाना हो तो क्या करना चाहिए? टू ए स्क्वायर अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाए वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब थोड़ा सोचो ये टू ए स्क्वायर आएगा कहां से? तो बहुत आसान है, या तो हम लोग इसको ए टाइम्स करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें या इसको ए टाइम्स करके इसमें ऐड कर दें। तो दोनों चॉइस क्लियर हो गया। कॉलम वन में भी चेंज करके इतना लाया जा सकता है, कॉलम टू में भी चेंज कर करके इतना लाया जा सकता है। सो अपने पास स्टार्ट मिल गया। जैसे ही स्टार्ट मिल गया तो उसको पहले कर डालो, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। देखो कभी भी सॉल्यूशन में इंड के बारे में मत सोचो कि एक सेकंड में इंड दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले उसकी ओर प्रोसीड करो, क्लोज करो, अपने आंसर को उसके नजदीक ले जाओ, फिर देखो डिफरेंसेस क्या है, फिर उस डिफरेंसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। सो मैं इस क्वेश्चन में देखो कर रहा हूं क्या, मैंने किया ये कि कॉलम वन को पहले तो मैं इसको रिपीट कर दू। क्वेश्चन को है लेट डेल्टा इज इक्वल टू LHS, मैं एक बार रिपीट कर दू सो दैट उसको ऊपर बार बार नहीं देखना पड़े। टू ए बी माइनस टू बी बाई टू ए बी, यहां हो गया वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए, यहां हो गया टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो प्लानिंग क्या थी कि इसका बी टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो कॉलम वन चेंजेस इनटू कॉलम वन माइनस बी टाइम्स कॉलम थ्री, ये तो बन गया। इसमें हम लोगों ने क्या सोचा था कि इसका ए टाइम्स अगर इसमें एड कर दे तो ये भी बन जाएगा, तो इसका मतलब कॉलम टू चेंजेस इनटू कॉलम टू प्लस ए टाइम्स कॉलम थ्री। ये दोनों स्टेप लेते ही हमारे पास दो स्क्वायर मिल जाएगा, दो मिल जाएगा ऐसा। देखो ये कितना हो गया बेटा, इसका ये बनेगा बी टाइम्स कर रहे हैं हम लोग, तो ये बनेगा टू बी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस टू बी स्क्वायर, प्लस टू बी स्क्वायर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको बी टाइम्स हम लोगों ने किया है और उसके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका बी टाइम्स मतलब टू ए बी, टू ए बी को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो। इसका बी टाइम्स, बी टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसका बी टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, मैं कर रहा हूं टू बी, इसका बी टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी टाइम्स ये होगा कितना, देखो बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ये होगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। चलो करके देखते हैं, करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। इज इट क्लियर? अब देखो इसी तरह से यहां नजर डालो, यहां हम लोगों ने क्या किया कॉलम टू में इसके ए टाइम्स को ऐड किया, इसका ए टाइम्स मतलब हो गया माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी को इसमें ऐड किया तो इट बिकेम जीरो। इसका ए टाइम्स टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर को इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? सिमिलरली इस माइनस टू ए में इसके ए टाइम्स को मुझको ऐड करना है, मैं करके दिखाता हूं, इस माइनस टू ए में इसके ए टाइम्स को ऐड करना है तो कितना हो गया ए, इसका ए टाइम्स माइनस ए क्यूब, इसका ए टाइम्स माइनस ए बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए ये वाला जो कॉलम हो गया वो हो गया माइनस टू बी, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखने में बड़ा लग रहा है, अभी बड़ा है नहीं, आप नजर डालो तो काम बन गया। देखो
टर्म कैसे बना सो, इस कॉलम में देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 0 है। देखो यहां नजर डालो, देखो ये कितना हो गया, ये तो बन गया b, कितना बन गया, ये हो गया b, ये हो गया प्लस ए स्क्वायर बी, ये हो गया बी क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, तो b कॉमन लेते ही ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। ये सब कैलकुलेशन फैक्टराइजेशन का काम, सिंप्लीफिकेशन का काम डिटरमिनेंट के भीतर नहीं करना चाहिए, ये छोटा छोटा काम रफ शीट में करना चाहिए। सो आई डिड इट, और यहां मैं लिख रहा हूं b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली हियर वी गॉट 0, और इसमें देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें फिर से नजर डालो, ये भी कुछ वैसा ही सिचुएशन है, ये सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें तो बचेगा माइनस ए, ये होगा माइनस ए क्यूब, ये होगा माइनस ए बी स्क्वायर। इसमें देखो माइनस ए जैसे ही कॉमन लोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अगेन वी कैन राइट टू दिस वन एज माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लास्ट कॉलम क्लियर है, माइनस टू बी टू ए, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा इस कॉलम दोनों में से मुझको मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको मैं कॉमन लेकर के लिख दे रहा हूं। तो ये बचा कितना, ये 1 बचा, ये 0 बचा, ये b, ये 0, ये 1, ये माइनस ए, माइनस टू बी टू ए, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा इसमें नजर डालो, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कम से कम 2 0, इसलिए कि यूजिंग प्रॉपर्टी वी आर टू शो दैट, वी आर टू प्रूव दैट। तो अगर इसका b टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 0 जैसे ही हो जाएगा, फिर ओपन चॉइस है, हम लोग उसके बाद इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो चलो ऐसा ही करते हैं, रो 3 चेंजेस इनटू रो 3 माइनस b टाइम्स रो 1, इज इट क्लियर। तो हुआ कितना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर, ये बचा 1 0 माइनस टू बी 0 1 टू ए, ये कितना हो गया, इसका b टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ये b हो जाएगा, b माइनस b को b में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसका b टाइम्स तो 0 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका b टाइम्स कितना हो गया, 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इज इट क्लियर। देखो मैं यहां रफ करके दिखा रहा हूं, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कितना को करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 2b स्क्वायर को, दैट मीन्स इट बिकम्स माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। सो ये दोनों मिलकर के हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बेटा ये सब छोटी छोटी चीजें जो है इसको ध्यान में रखो, ये छोटी छोटी बातों को हम लोग डिटरमिनेंट के भीतर नहीं करते, डिटरमिनेंट के भीतर इसका सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब है कि आप अपने आंसर को कॉम्प्लिकेटेड बना, तो उसको रफ शीट में कर लो। अब देखो 2 0 हो गया, इसके अलोंग एक्सपैंड कर दो तो होगा कितना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, एक्सपैंड करेंगे तो ये 1 हो गया इंटू, अब अपने पास डिटरमिनेंट कौन सा बचा, ये 4 का, 1 टू ए माइनस ए, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, श्योरली वी विल गेट द आंसर होल स्क्वायर। 1 छोड़ देता हूं, ये कितना हो गया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू ए स्क्वायर, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक निगेटिव साइन, तो प्लस टू ए स्क्वायर। अब देखो साफ देख रहा हो, ये 1 स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के प्लस ए स्क्वायर, सो इट बिकम्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले से स्क्वायर था यहां से एक और है क्यू, एंड हेंस इट इज प्रूव नो प्रॉब्लम इन दिस वन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बस एक स्टेप हमको समझना था, सिर्फ एक स्टेप, उसी पर सब कुछ था, वो ये कि ये अगर क्यूब है तो इसमें मुझको कम से कम ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए, ऐसे 2 फैक्टर्स पहले दिखते नहीं है, पहले एक तो लाने की कोशिश करो, एक अगर दिख गया तो वैसा ही अटेम्प्ट दूसरे पर करेंगे सिमिलर लुकिंग पर। तो देखो पहले इसको लाने की कोशिश किया हम लोगों ने कि चलो भाई 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको कैसे हम लोग लिख दें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास नीड हो गया कि यहां पर 2 बी स्क्वायर लिखें, ये आएगा कहां से, तो इस कॉलम को मैंने b टाइम्स करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया,
बी टाइम्स करते ही ये बन गया टू बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, एड करेंगे तो प्लस टू बी स्क्वायर, तो ये बन गया। जैसे ही एक में ये दिखने लगा तो दूसरे में भी ट्राई मारो। दूसरे में कहां है, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में देखो वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये कैसे बनेगा इतना, तो ऑब्वियसली इसमें अगर टू ए स्क्वायर कर दे तो बन जाएगा, ये कैसे बनेगा, तो इस कॉलम में अगर इसको ए टाइम्स कर दे तो ये टू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर एड कर देंगे। जैसे ये दो दिखा ये सॉल्यूशन हो गया। इज इट क्लियर? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिखता है, वर्चुअली ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन ये दिखता है थोड़ा सा अलग किस्म का, ए बी ऐसा कुछ कुछ, एक थ्री डिजिट का डिजिट नंबर्स है, ए टू एट इतना और इतना, और कहा जा रहा है कि ए बी सी क्या है, इंटीजर्स है बिटवीन जीरो एंड नाइन, तो ये कहा जा रहा है कि इट इज डिविजुअल बाय अ फिक्स्ड इंटीजर के, तो हमको दिखाना है कि ये कैसे डिविजुअल है। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है यार, लेकिन है नहीं, एक्चुअल दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, भगवान से मनाओ कि बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो कुछ नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में पहले तो ये समझो कि थ्री डिजिट का अगर कोई नंबर है तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब समझ गया बस बात खत्म हो गया। देखो सॉल्यूशन पार्ट में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो ए टू एट है, ए टू एट इसका मतलब कितना हो गया, ये हंड्रेड प्लेस पर है तो हंड्रेड ए प्लस ट्वेंटी प्लस एट, ये इसका मतलब हुआ। सिमिलरली अगर हम लोगों से कोई कहे कि थ्री बी नाइन तो इसका मतलब क्या हो गया, 300 प्लस 10 टाइम्स बी प्लस 9, इसी तरह से प्लेस वैल्यू लिखा हूं मैं, इसी तरह से 62 सी तो कितना हो गया 600, 6 इंटू 100 प्लस 20 प्लस सी। देखो बेटा इसमें अगर हम लोग सपोज कर रहे हैं कि चलो लेट दिस वन इज इक्वल टू के टाइम्स, तो मान लो कि एक्स टाइम्स के है, ये भी के का के से डिविजिबल है, तो इसको मान लो कि वाई टाइम्स के है, इसको मान लो जेड टाइम्स के है, सो दैट लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पर नजर डालो, क्वेश्चन में है क्या, डेल्टा का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, ए थ्री सिक्स एट नाइन सी टू बी टू। अब थोड़ा सा अगर नजर डालो तो ये नंबर तुमको इस कॉलम में दिख रहा है ना, ए टू एट यहां दिख रहा है ए टू एट, सिमिलरली 3B9 यहां दिख रहा है 3B9, सिमिलरली दिख रहा है 62C यहां दिख रहा है, इसका मतलब इन तीनों को ऐसा फ्रेम किया जा सकता है, और ऐसा जैसे ही फ्रेम करेंगे तो ये लिख लेंगे, बस आंसर हो गया। देखो कैसे फ्रेम करेंगे, देखो मुझको क्या चाहिए 100 टाइम्स ए, इसका मतलब इसका 100 टाइम्स चाहिए मुझको, इसी तरह से इसका वंस चाहिए, इसका वंस चाहिए, इसका वंस चाहिए, तो इसका मतलब एट नाइन और सी ये तीनों जो है इसका वन टाइम्स चाहिए, तो क्यों नहीं ऐसा हम लोग करें कि इसका हंड्रेड टाइम्स इसमें ऐड कर दें, इसका टेन टाइम्स इसमें ऐड कर दें, ऑब्वियसली ये रिजल्ट मिल जाएगा, बस यही तो करना था। यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो अपने इस रो में है, इसका मतलब इस नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई इधर उधर नहीं, बस इस नंबर में हम लोग इन दोनों को अरेंज कर दे इस रूप में तो इतना हो जाएगा, और इतना होने का मतलब एक्स के बस। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि रो टू को चेंज करेंगे, रो टू चेंजेज इन टू रो टू प्लस हंड्रेड टाइम्स रो वन, हंड्रेड टाइम्स रो वन प्लस टेन टाइम्स रो टू रो थ्री, आंसर हो गया। इसके आगे तो लिखना भी नहीं चाहिए, बस बात बन गई। देखिए ये तो ए, पहले मैं इसको लिखता हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा होने वाला है, तो ये कितना होगा आर टू में हम लोग 100 टाइम्स आर वन मतलब 100 ए लिख रहे हैं, प्लस उसके बाद लिख रहे हैं 10 टाइम्स आर थ्री, इसका 10 टाइम्स तो 20 प्लस 8 ये हो गया। इसी तरह से ये सेकंड वाला भी, ये कितना होने वाला है इसमें 100 टाइम्स 3 का तो 300 प्लस 10 टाइम्स बी का तो 10 बी प्लस 9 इतना, इसी तरह इसका 100 टाइम्स इसमें ऐड करना है तो 600 फिर
फिर इसका 10 टाइम्स ऐड करना है तो प्लस 20 प्लस ये खुद का सी ये, इसीलिए मैंने चूंकि इसमें लंबा लंबा टर्म था इसलिए मैंने पहले रो को बाद में लिखा, अब मैं इसके नीचे लिख रहा हूं 3 6, यहां इसके साथ लिख रहा हूं 2 d 2, ये डिटरमिनेंट होगा। अब देखो ये देखने के लिए इतना लंबा सा हो गया लेकिन ये है कितना, ये है ये वाला पार्ट एंड इट इज इक्वल टू एक्स के, ये वाला है ये पार्ट जो है वाई के, ये वाला है ये पार्ट जो कि है जेड के, तो बस इतना लिख ले, कितना ए 3 6 फर्स्ट रो, सेकेंड रो ये अपने पास हो गया एक्स के, ये हो गया अपने पास वाई के, ये अपने पास हो गया जेड के, और फिर थर्ड रो 2 b 2 2 b 2। देखो बेटा क्लियरली इसमें हम लोग देखना है कि के कॉमन हो जाएगा, के कॉमन होकर के बचा अपने पास ए 3 6 एक्स वाई जेड 2 b 2, सो क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय के। सो हम लोग कहेंगे कि हेंस डेल्टा इज डिविजिबल बाय के। तो इन फैक्ट ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर मुझसे कहो कि इस क्वेश्चन को रैंक वाइज अगर मार्क्स से अगर मैं समझूं कि ये किस रैंक में आना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू मी ये 2 मार्क्स कैटेगरी का होना चाहिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन चूंकि बोर्ड में अभी तक पूछे नहीं गए, सो वाई आई एम कंसिडरिंग टू दिस क्वेश्चन एज ऑफ 4 मार्क्स, तो इसको 4 मार्क्स कैटेगरी में मैं रख रहा हूं। बट दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल वन, आई होप इस तरह का कोई क्वेश्चन हमको मिल जाए बोर्ड में, मजा आ जाएगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल पुश कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, दोस्तों को भी जोड़िए और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू।